अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं बरेली में ऐसे दो नन्हे राम भक्त भी सामने आए हैं जिन्होंने अपनी चॉकलेट के लिए इकट्ठे किए गए पैसों को समर्पण निधि में दान कर दिया। अपने गुल्लक को देते ये दोनों नन्हे बच्चे राम भक्त हैं, जिन्होंने घर में मिलने वाले एक एक पैसे को गुल्लक में जमा किए थे, लेकिन गुल्लक के पैसों का इस्तेमाल खुद के लिए न करके उन्हें भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए दान दे दिए। नन्हे राम भक्त देवित के घर पर जब समर्पण निधि का धन संग्रह करने के लिए एक टीम पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अपना योगदान दे रही थी, तो उससे भी नहीं रहा गया और उसने भी अपने घर के अंदर रखी गुल्लक लाकर टीम को सौंप दी और टीम से कहा कि ये भगवान राम के मंदिर में योगदान के लिए है। बरेली की रहने वाली 5 साल की रूही ने भी अपनी गुल्लक उठाकर राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और कहा कि भगवान राम का घर टूट गया है और उनका नया घर बनना है, उसमें इन पैसों को लगा देना। मासूम बच्ची की ये शब्द सुनकर समर्पण निधि एकत्र करने वाली टीम भावुक हो गई। नहीं, ऐसा मुझे कभी भी भूतकाल में या वर्तमान में कभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि इतना छोटा बच्चा भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। सुना जरूर था कहावतों से, निश्चित तौर पे इसमें माँ बाप का, घर वालों का बहुत बड़ा संस्कार रहता है, जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। राम जी का टेम्पल बनने के लिए मैंने राम जी को दे दी घर बनने के लिए। घर बनने के लिए? हाँ। किसी ने सब दे रहे थे तब दी, आपने क्यों दी? तो कि हम उनका घर टूट गया था ना, इसलिए हमने उनको घर बनने के लिए दे दी। भैया, हम लोग जन जन की सहभागिता के लिए ये राम मंदिर की निधि कलेक्शन कर रहे थे, तो उसके मम्मी पापा से दादा दादी ने उन्होंने जो कलेक्शन दिया उसको देख के उसके मन में भी ये आया कि मैं क्यों ना अपनी गुल्लक दे दूँ। तो उसने अपनी गुल्लक ला के दिए, अपने जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो देख के इतना अद्भुत लग रहा है और इतना उसका भाव देख के बहुत खुशी हो रही है।